हंगरी स्पिरिट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। आप जानते हैं आपको क्या करना है, वीडियो के नीचे रेड बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब करना है। कर दिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने पहले भी आईफा अवार्ड्स के ऊपर एक वीडियो डाला था जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि आईफा में क्या अच्छा था और क्या बुरा था और कैसे कैसे आईफा अवार्ड्स बढ़े आगे और क्या क्या पोस्ट प्रोडक्शन में हुआ, प्री प्रोडक्शन में हुआ। खैर ये बातें हम पहले ही कर चुके हैं, पर आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो रह गई थी करने के लिए। वो मेरे सामने तब आई जब मैंने ट्विटर पे लोगों के कमेंट्स देखे, पता चला कि आईफा अवार्ड्स में एक और ऐसी बात हुई जो लोगों को पसंद नहीं आई, यानी परिवारवाद के ऊपर विवाद। जी हाँ दोस्तों, ये बात तब की है जब कंगना रनावत एक बार करण जौहर के चैट शो में गई थी। वहां पर परिवारवाद को लेके बहुत सारी बातें हुई, तो कंगना रनावत ने वहां पे टेलीविजन पे ये बात बोली कि आप तो, करण जौहर जी को बोला कि आप तो परिवारवाद का झंडा फहरा रहे हैं। तो ये बात तब हुई, तब खत्म हो गई। पर कि जब आईफा की स्टेज पर वरुण धवन अपनी फिल्म डिशों के लिए सर्वश्रेष्ठ हास्य कलाकार का पुरस्कार लेने पहुंचे, तो वहां पर सैफ अली खान ने उनसे ये कह दिया कि आपको तो इस इंडस्ट्री में अपना मुकाम अपने पिता की वजह से मिला है। अब वरुण धवन कम नहीं थे, उन्होंने भी चुटकी लेते हुए बोल दिया कि आपको तो अपने इस इंडस्ट्री में मुकाम अपनी मम्मी शर्मिला टैगोर की वजह से मिला है। अब करण जौहर कहाँ पीछे रहने वाले थे, उन्होंने अपनी तरफ से आप ही बोल दिया कि मुझे भी ये मुकाम अपने पिता की वजह से मिला है। और तीनों ने एक साथ बोला कि परिवारवाद ने मचाई धूम। अब बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई दोस्तों। यहाँ पर वरुण धवन ने करण जौहर को छेड़ते हुए बोला कि आपकी एक फिल्म का गाना है ना कि बोले चूड़ियां बोले कंगना, वही बोले चूड़ियां बोले कंगना। अरे अरे अरे, अरे। इसी पे करण जौहर ने बोला, भाई कंगना को तो चुप ही रहने दीजिए, कंगना तो बहुत बोलती है। और यहीं से शुरू हुआ कंगना की फैन फॉलोइंग का पे बैक। किसी को भी ये बात अच्छी नहीं लगी, और इनफैक्ट आपको सच्ची में बताऊं तो मुझे भी ये बात अच्छी नहीं लगी कि किसी को, जब कंगना वहाँ पे मौजूद ही नहीं है, तो किसी के एब्सेंस में एक इंटरनेशनल स्टेज पे मजाक उड़ाना इज नॉट गुड। हालांकि करण जौहर ने इस बात को लेके कंगना रनावत से माफी भी मांगी है, पर ये कोई बात नहीं है दोस्तों कि आप पहले बोलो और फिर आप माफी मांग लो, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि तोलो और बोलो बड़ा ही पुराना मुहावरा है हमारे हिंदुस्तान में, जिसको समझना बहुत ही जरूरी है। तो ये बात तो हो गई उस स्टेज पे। उसके बाद ट्विटर पे इस बात को लेके बहुत सारे चर्चा हुए, वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी और एआईबी सदस्य तन्मय भट्ट ने भी इसकी कड़ी आलोचना की है। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि मैं कंगना की मौजूदगी में करण जौहर, वरुण धवन और सैफ अली खान को मजाक उड़ाने की कोशिश करने पर उन्हें मिले लाइक्स को देखना चाहूंगा। मतलब अगर वो कंगना की प्रेजेंस में मजाक कर उड़ाते हैं कंगना का, तो वो उन लाइक्स को देखना चाहेंगे। भी कहा है दोस्तों कि पिछली रात करण जौहर बेशर्मी से कहते नजर आए, परिवारवाद ने धूम मचाया। इसका मतलब वो स्वीकार करते हैं कि उनके पास प्रतिभा नहीं है और ये परिवारवाद का हिस्सा भर है। एक अन्य यूजर ने ये भी कहा दोस्तों कि वरुण धवन, आपसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अगर आप परिवारवाद के धूम मचाने की बात कहेंगे, एक महिला का इतने बड़े मंच पर अपमान करना बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है, मैं निराश हूँ। दोस्तों ऐसे कई यूजर्स हैं जिन्होंने इस बात की निंदा की है और ट्विटर पे वरुण धवन, करण जौहर और सैफ अली खान को बहुत 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 कुछ सुनाया है। हंगरी स्पिरिट्स ने फिर से आपको एक ऐसी बात बताई है जो आपकी नॉलेज में नहीं थी, या थी भी तो बहुत विस्तार से नहीं थी। तो हंगरी स्पिरिट्स हमेशा आपके साथ है। आप इस चैनल को देखें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब तो आप अब तक कर ही चुके होंगे। थैंक यू सो मच। हाय फ्रेंड्स, इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू वॉच मोर वीडियोज। थैंक यू।